एक ओर जहां डीजीपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी पत्रकारों की गरिमा बनाए रखने को कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमराही स्टाफ अधिकारियों के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। मऊरानीपुर में कोतवाली प्रभारी एवं उप निरीक्षक पूर्ण रूप से पत्रकारों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कोतवाली में ही तैनात हमराही द्वारा पत्रकार से की गई अभद्रता पर बवाल मच गया। जब पत्रकार कवरेज करने कोतवाली में जाते हैं तो कोतवाली प्रभारी से लेकर उप निरीक्षकों का व्यवहार एक सम्मानीय रूप में देखा जाता है, लेकिन कोतवाली में नव नियुक्त स्टाफ आया है, इनकी शैली ही खराब देखी जा रही है। इनका बस एक ही काम बचा है कि ऊपरी कमाई कहां से आए, जिसके लिए ये पत्रकारों को भी अपनी लालच का शिकार बना रहे हैं। इसी प्रकार का मामला बीते बुधवार तब सामने आया जब मऊरानीपुर कोतवाली में समाचार कवरेज करने गए दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार से बिना वजह कोतवाली में तैनात सिपाही कुलदीप पाल द्वारा अभद्रता की गई। अभद्रता का कारण पत्रकार की चार पहिया गाड़ी की पार्किंग थी, जिसे हटाने को लेकर सिपाही ने पत्रकार से बेवजह अभद्रता की और जबरदस्ती डिजिटल चालान काटने तक की धमकी दे डाली। कोतवाली प्रांगण में बैठे उप निरीक्षकों के द्वारा सिपाही को काफी समझाया बुझाया गया, लेकिन वर्दी के नशे में चूर सिपाही अपनी गुंडई व दबंगई पर अड़ा रहा। सिपाही कुलदीप पाल दबंगी के चलते कोतवाली में अपना दबदबा बनाए हुए है। वरिष्ठ पत्रकार ने इस प्रकार अभद्रता करने वाले हमराही की शिकायत तत्काल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण झांसी राहुल मिठास, क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर प्रदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह से की, जिसके बाद अधिकारियों ने पत्रकार को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सिपाही कुलदीप पाल पर उचित कार्यवाही की जाएगी। मऊरानीपुर से सौरभ भार्गव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।